नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना मेट्रो के बारे में। पटना में बहुत ही जल्द मेट्रो निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिलने वाला है। बता दें कि पटना मेट्रो में निर्माण कार्य को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंडरग्राउंड मेट्रो निर्माण परियोजना की शुरुआत कर दी है। इसी कॉरिडोर के तहत 6 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन आने वाला है, जिसमें कि राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना यूनिवर्सिटी, PMCH, गांधी मैदान और आकाशवाणी शामिल है। बता दें कि इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.08 किलोमीटर की है। इसके अलावा कॉरिडोर 1 के अंतर्गत 6 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं, इसको लेकर तैयारी चल रही है। पटना मेट्रो कॉरिडोर 2 के तहत जो रूट प्रस्तावित किया गया है, उसमें आकाशवाणी, गांधी मैदान, उसके बाद PMCH, उसके बाद मोइनुल हक स्टेडियम, उसके बाद राजेंद्र नगर टर्मिनल है। बता दें कि यह स्टेशन अंडरग्राउंड होगा। आपको यह बता दें कि इस कॉरिडोर के डिजाइन निर्माण की जिम्मेवारी 19 दिसंबर 2021 को L&T कंपनी को दी गई थी। इस कॉरिडोर का सिविल काम पूरा हो चुका है। बता दें कि इसी रूट में मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार के मुख्यमंत्री ने परियोजना का शिलान्यास किया, जिसके बाद से यह कहा जा रहा है कि पटना में मेट्रो निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिलने वाला है। बताया तो यह भी जा रहा है कि मोइनुल हक स्टेडियम के पास पहला स्टेशन बनेगा, इसके बाद टनल बनाने का काम शुरू किया जाएगा, यानी कि सुरंग का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट की मंजूरी साल 2020 में दी गई थी, उसके बाद से लगातार इस पर कार्य चल रहा है। पटना मेट्रो का निर्माण 2 कॉरिडोर के तहत पूर्ण किया जाएगा, जिसमें कि कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 के तहत इसका निर्माण कार्य होना है। बता दें कि कॉरिडोर 1 के तहत 6 अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण होगा, तो वहीं कॉरिडोर 2 के तहत भी 6 मेट्रो का स्टेशन बनना है। बता दें कि दूसरे कॉरिडोर के तहत आकाशवाणी से गांधी मैदान, PMCH, मोइनुल हक स्टेडियम, राजनगर टर्मिनल, मलाही पकड़ी होते हुए खेमनी चक, NH30 होते हुए बैरिया बस अड्डा तक जो है मेट्रो जाएगी। मेट्रो की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि पहले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण होना है, इसके बाद टनल यानी कि सुरंग का निर्माण होगा। बता दें कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के लिए मिट्टी की जांच कार्य जो है वह पूर्ण हो चुका है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि भूमिगत रेलवे स्टेशनों का निर्माण कट एंड कवर पद्धति के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं अगर हम कॉरिडोर 1 के तहत आने वाले स्टेशनों की बात कर लें, तो इसमें दानापुर से खेमनी चक के साथ रुकनपुरा, विकास मार्ग, विद्युत भवन, राजा बाजार, चिड़ियाघर, पटना रेलवे स्टेशन पर अंडरग्राउंड स्टेशन जो है वो बनाए जाने हैं। ऐसे में अब यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पटना मेट्रो के कार्य में तेजी देखी जा सके, यानी कि तेजी से काम हो, ताकि छात्रों और कामकाजी लोगों को जो है पटना के अंदर मिलने वाले ट्रैफिक से बच सकें और जल्दी से जो है अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो ये थे पटना में मेट्रो से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।